सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 23rd वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में वेरिएंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कोवेरिएंस एंड देयर प्रॉपर्टीज और साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 22 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक से एक रेंडम वेरिएबल है और इसका अगर वेरियंस निकालना है तो वेरियंस निकालने के लिए एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसके हॉल स्क्वायर का हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। रेंडम वेरिएबल और उसके एक्सपेक्टेशन के डिफरेंस के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन अगर निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस। एक्सपेक्टेशन को हम लोग और भी तरीके से डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेशन को एक्स बार से भी डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो लिखना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में वी ऑफ एक्स लिख रहे हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस, इसके बदले एक्स बार भी लिख सकते हैं, तो एक्स बार का हॉल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का हॉल स्क्वायर और उसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वही वेरिएंस हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन को म्यू से भी डिनोट करते हैं तो एक्स माइनस म्यू का हॉल स्क्वायर। ये रेंडम वेरिएबल एक्स और म्यू दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का अगर एक्सपेक्टेशन निकाल दें तो उसी को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का हॉल स्क्वायर। ऑलरेडी एक वीडियो में इसको प्रूफ किया हुआ है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का हॉल स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ वेरिएंस, किसी भी रेंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इफ एक्स इज ए रेंडम वेरिएबल देन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अगर ए इंटू एक्स प्लस बी का अगर वेरियंस निकालना है तो a का स्क्वायर हो जाता है और x का वेरिएंस होता है यहाँ पर और b यहाँ पर नहीं होता है, b हट जाता है। कैसे होगा, चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान लेते हैं लेट y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम लोग y सपोज कर रहे हैं, a x प्लस बी को y मान ले रहे हैं और इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y, इधर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं तो इधर भी लगा दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी और एक्सपेक्टेशन का जो प्रॉपर्टीज है उससे हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और यहाँ पर हो जाएगा बी का एक्सपेक्टेशन, बी ही होगा, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। इसको नंबर वन टू कर देते हैं। अब टू में वन, सॉरी वन में टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, वाई माइनस e ऑफ y और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों से a कॉमन ले लेते हैं तो a कॉमन लेंगे तो x माइनस e ऑफ x हो जाएगा और ये b और b कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं और फिर उसका एक्सपेक्टेशन लगा देंगे, y माइनस e ऑफ y इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ई ऑफ एक्स और इसका भी हॉल स्क्वायर। अब दोनों साइड एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस ई ऑफ वाई का हॉल स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो कांस्टेंट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और एक्सपेक्टेशन हम लोग इसमें लगा रहे हैं एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का हॉल स्क्वायर।
अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, किसी भी रेंडम वेरिएबल का वेरिएंस अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन निकालते हैं किसका, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का। क्या यही है यहाँ पर? ये जो है वो एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, वाई है। तो ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है वेरिएंस, किसका वेरिएंस बता रहा है, वाई का। देखो एक्स में एक्स का एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस करते हैं, उसका स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो वही वेरिएंस होता है। तो यहाँ वाई में उसके एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस और उसके स्क्वायर का फिर एक्सपेक्टेशन है, तो ये वेरिएंस हो जाएगा वाई का। और फिर यहाँ पर तुम देखोगे तो ये किसका वेरिएंस है, ये सेम चीज़ है, तो ये वेरिएंस हो गया एक्स का। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, वाई का वैल्यू, जो वाई हम लोग सपोज किए हैं, तो वाई कितना सपोज किए हैं, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर y का वैल्यू a ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी पुट कर देते हैं और यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने देते हैं, a इंटू वेरियंस ऑफ x। क्या यही प्रूव करना था? तो वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x, ये प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग कोरोलरी देखते हैं। ये जो अभी हम लोग रिजल्ट निकाले हैं, इस रिजल्ट से हम लोग कुछ कोरोलरी बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कोरोलरी है, ऐसा करते हैं हम लोग b के जगह 0 पुट करते हैं, तो पुट b इक्वल टू 0 वी गेट, क्या मिलेगा जरा देखो, वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स और b के जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पर तो b है नहीं, तो ये a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x हो गया। तो वेरिएंस ऑफ a इंटू एक्स इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x होता है, यानी a जो कांस्टेंट बाहर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है और x का यहाँ पर वेरिएंस होता है। ये सेकेंड नंबर है, हम लोग कोरोलरी टू बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग इस बार पुट कर रहे हैं a इक्वल टू वन, पुट a इक्वल टू वन अगर हम लोग कर दें, a इक्वल टू वन वी गेट, क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस बी इज इक्वल टू a के जगह वन पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x, यानी वेरिएंस ऑफ x प्लस बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x हो गया। अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस बी निकालना है तो सिर्फ x का वेरिएंस होगा और b का यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड कोरोलरी बनाते हैं, हम लोग पुट करते हैं a इक्वल टू जीरो, पुट a इक्वल टू जीरो वी गेट, देखो क्या मिलेगा। तो a के जगह अगर जीरो पुट कर दें तो यहाँ सिर्फ b बचेगा, तो वेरिएंस ऑफ b इक्वल टू, यहाँ पर a के जगह जीरो पुट कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो किसी कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, जीरो, कोई भी कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो होता है। एक और चीज़ का ध्यान देना, वेरिएंस को इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, और ये वेरिएंस जो होता है उसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। और एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का रूट अंडर होता है और वो पॉजिटिव रूट अंडर है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का पॉजिटिव रूट अंडर। और वेरिएंस को अगर सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करें तो सिग्मा स्क्वायर का रूट अंडर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करेंगे। अगर ये रेंडम वेरिएबल एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा एक्स भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर वाई का रेंडम वेरिएबल है, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको सिग्मा वाई से भी हम लोग डिनोट करेंगे। रेंडम वेरिएबल एक्स का है तो सिग्मा एक्स, वाई रेंडम वेरिएबल का है स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसको सिग्मा वाई, तो ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या होता है कि लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू रेंडम वेरिएबल्स एंड लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू मी वन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू मी टू। दो रेंडम वेरिएबल सपोज कर लिए और दोनों का रेंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन को, एक्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मी वन से और वाई का एक्सपेक्टेशन जो है उसको मी टू से डिनोट कर रहे हैं। अब कंसिडर द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एक्स माइनस मी वन एंड इंटू वाई माइनस मी टू, इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन रहने देते हैं लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इंटू वाई और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस म्यू टू इंटू एक्स और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस म्यू वन इंटू वाई और ये माइनस माइनस प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू। तो μ1 और μ2 जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन जब हम लोग निकालते हैं तो एक नंबर आ जाता है, वहाँ रेंडम वेरिएबल नहीं रहता, वेरिएबल नहीं होता है, वो एक नंबर आ जाता है। अब ये एक्सपेक्टेशन का जो प्रॉपर्टीज है उससे हम लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन सभी में लग जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, यहाँ पर μ2 एक कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, ये बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा यहाँ पर, और यहाँ पर μ1 रहने दो,
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है, वही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई रहने दो माइनस म्यू टू, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू वन है, और यहाँ पर माइनस म्यू वन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू है, और यहाँ पर प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू, तो ये प्लस म्यू वन म्यू टू से माइनस म्यू वन म्यू टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वन को पहले लिखते हैं फिर इंटू म्यू टू, तो अब म्यू वन और म्यू टू जो है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्चुअली क्या है म्यू वन, म्यू वन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और म्यू टू क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, ये लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर आ रहा है इसी को कहते हैं कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, दिस नंबर इज नोन एज, ये जो नंबर आ रहा है दिस नंबर इज नोन एज, हम लोग इसी को कहते हैं कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कोवेरियंस को ऐसे डिनोट करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो कोवेरियंस क्या हो गया, कोवेरियंस इसी नंबर को कह रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर सेम है तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का एक रिजल्ट आ गया, देखो यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या आया, एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एक्स इंटू वाई का, और उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन में x और y के एक्सपेक्टेशन के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही क्या होगा कोवेरियंस हो जाएगा। और कोवेरियंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू वन इंटू वाई माइनस म्यू टू, ऐसे भी एक्सपेक्टेशन को लिख सकते, कोवेरियंस को लिख सकते हैं, यहाँ पर यही आया था ना। और म्यू वन और म्यू टू है क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू वन, म्यू वन क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था, इंटू वाई माइनस म्यू टू, म्यू टू क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई था, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका एक्सपेक्टेशन को भी कहेंगे कोवेरियंस। तो बात एक ही है, कोवेरियंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है इसी को कहते हैं या इसको कह सकते हैं, ये सभी चीज़ जो है वो इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, अगर x और y जो रेंडम वेरिएबल है वो अगर इंडिपेंडेंट हो तब क्या होगा, इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल, ये अगर इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल्स, तो वैसे केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो ऐसे केस में कोवेरियंस क्या हो जाएगा एक्स वाई का, एक्स वाई का कोवेरियंस, देखो जरा ध्यान देना, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों जब इक्वल है तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जीरो। तो अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो वैसे केस में उसका कोवेरियंस जो होता है वो जीरो होता है। अब हम लोग देखेंगे कोवेरियंस का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरियंस। सपोज करो यहाँ पर x, y, z बी एनी रेंडम वेरिएबल्स एंड a, कॉमा b, कॉमा c, कॉमा d बी एनी कॉन्स्टेंट, तीन रेंडम वेरिएबल x, y, z ले रहे हैं, a, b, c, d जो है वो कॉन्स्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टीज है कोवेरियंस का, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कोवेरियंस ऑफ x, कॉमा x इक्वल टू वेरियंस ऑफ x, कोवेरियंस ऑफ x, कॉमा y इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ y, कॉमा x, मतलब x, कॉमा y का निकालो या y, कॉमा x का निकालो कोवेरियंस सेम होगा। फिर कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, मतलब ए और बी जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी जो प्लस ए और प्लस बी है उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, वो हटा सकते हो, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। और ये सिग्मा एक्स जो है वो दिखा रहा है, बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, किस रैंडम वेरिएबल का, एक्स का, और ये सिग्मा वाई रैंडम वेरिएबल वाई का। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है, मीन है, मीन को एक्सपेक्टेशन को मीन भी कहते हैं, तो एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स कॉमा वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, अगर इसका कोवेरियंस निकालना है तो वन बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कोवेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू ए सी, ए और सी जो मल्टीप्लाई है रेंडम वेरिएबल में वो बाहर होगा और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस जेड है तो ये ऐसा करोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का कोवेरियंस हो जाएगा और फिर एक्स कॉमा जेड का कोवेरियंस हो जाएगा। अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा जेड है तो यहाँ पर भी कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड होगा और फिर कोवेरियंस ऑफ वाई कॉमा जेड दोनों का सम हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम लोग प्रूफ देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट का देखोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स। जरा ध्यान देना, अभी हम बता चुके हैं कि कोवेरियंस होता क्या है किसी भी दो रेंडम वेरिएबल एक्स वाई का, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो जैसे x कॉमा एक्स का निकालना है तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स हो जाएगा उस फॉर्मूला से, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ये क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर क्या बताता है, ये वेरियंस होता है, तो वेरियंस ऑफ एक्स हो गया। तो यही प्रूव करना था कि एक्स कॉमा एक्स का जो कोवेरियंस है वो वेरियंस ऑफ एक्स के इक्वल है। वेरियंस को ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो वेरियंस को। अब दूसरा रिजल्ट, दूसरा जो यहाँ प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा अगर वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला अभी कोवेरियंस के बारे में बता रहे थे कि x इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई निकालो या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ y इंटू x निकालो, बात एक ही है, एक्स वाई को यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन कोई नंबर होता है, रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर में तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई है, तो e ऑफ y को पहले लिख सकते हैं और e ऑफ x को बाद में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये किसका एक्सपेक्टेशन कोवेरियंस बता रहा है, कोवेरियंस वाई कॉमा एक्स का। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज भी हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड का देखो प्रूफ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि थर्ड नंबर में था कोवेरियंस ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, तो इसका कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला अभी बताए हैं। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर वेरिएबल है ए एक्स इंटू, यहाँ कॉमा नहीं इंटू है, इंटू बी वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स के बदले है ए एक्स, और इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वाई के बदले है बी वाई। अब जरा ध्यान देना, ये ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाता है, एक्सपेक्टेशन सिर्फ लगेगा एक्स इंटू वाई में। यहाँ पर भी ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, सॉरी यहाँ पर बी छूट रहा, बी भी बाहर करेंगे। अब देखो ए इंटू बी यहाँ पर भी है, ए इंटू बी यहाँ पर भी है, दोनों से ए इंटू बी को बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब जरा ध्यान देना, ए बी तो रहने दो, और ये क्या बता रहा है, ये वेरियंस है, किसका वेरियंस है, एक्स कॉमा वाई का, तो कोवेरियंस हो गया एक्स कॉमा वाई का। तो थर्ड में यही रिजल्ट प्रूव करना था, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स इन कॉमा बी वाई इक्वल टू ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखो ये है, तो फोर्थ कैसे प्रूफ करते हैं जरा समझोगे, यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं इसका फोर्थ को। तो फोर्थ हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी। तो ये कैसे निकालेंगे, जो एक्सपेक्टेशन का कोवेरियंस का जो डेफिनेशन था उसके अनुसार एक्सपेक्टेशन ऑफ किसका होगा, एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, एक्स प्लस ए यहाँ पर एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में फिर डिफरेंस होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस बी। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स इंटू वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए बी, और यहाँ पर ये दोनों में एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वही होता है, फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई
और b कांस्टेंट है तो b का भी वही एक्सपेक्टेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ये सभी में एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, x इंटू वाई में b कांस्टेंट है b को बाहर कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो जाएगा, और a भी कांस्टेंट है तो उसका एक्सपेक्टेशन a भी ही होगा। ये हो गया फर्स्ट का, और सेकेंड में जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और फिर आगे बढ़ते हैं तो b इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, जैसे सबसे पहले b इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी और यहाँ पर माइनस ए बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्टली यहाँ पर बच क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो ये क्या बता रहा है, कोवेरियंस हो गया किसका, x कॉमा वाई का। तो यहाँ पर यही प्रूव करना था, कोवेरियंस ऑफ x प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई। देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज यही था। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसकी बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टीज की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज में क्या है जरा यहाँ पर समझोगे। फिफ्थ प्रॉपर्टीज का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं तो को वेरियंस ऑफ x माइनस x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x कॉमा y माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा y, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा समझो कि ये सिग्मा x तो एक नंबर आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं या मीन निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, एक नंबर आता है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाता है, कोवेरियंस से रैंडम वेरिएबल का होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय सिग्मा x को भी बाहर कर सकते हैं, 1 बाय सिग्मा y को भी बाहर कर सकते हैं, और कोवेरियंस किसका होगा, x माइनस x बार और y माइनस y बार का होगा। ये किस प्रॉपर्टीज से का यूज किए हम लोग, थर्ड का, तो थर्ड प्रॉपर्टीज से हो गया ये, फ्रॉम थर्ड प्रॉपर्टीज। अब आगे जरा ध्यान देना, ये 1 बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई भी रहने दो, और अभी हम लोग जस्ट देख चुके हैं x प्लस ए वाई प्लस बी का अगर कोवेरियंस निकालना है तो a और b हट जाता है, सिर्फ क्या होता है रेंडम वेरिएबल x और y का कोवेरियंस होता है, प्लस a और प्लस b जो है वो हट जाता है, अगर माइनस a माइनस b रहता है तो भी हट जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो कॉन्स्टेंट डिफरेंस है, तो इस प्रॉपर्टीज से ये x बार और y बार को हटा सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई। ये कहाँ से आ गया, ये फ्रॉम फोर्थ प्रॉपर्टी से, चाहे वो डिफरेंस में प्लस में रहे या डिफरेंस रहे माइनस रहे, तो उसको हम लोग कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं और सिर्फ x और y का कोवेरियंस आ जाएगा। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गया। अब सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ प्रॉपर्टीज में ये है, तो इसका भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। और सेवन्थ जो है इसको हम लोग एक देखते हैं, तो सेवन्थ का यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। सेवन्थ प्रॉपर्टीज जो है कोवेरियंस क्या है, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई प्लस जेड। तो ये कैसे निकलता है जरा समझोगे इसको, इसको निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या करते हैं हम लोग, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, जो डिफिनेशन है कोवेरियंस निकालने के लिए, दोनों का प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन और दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन का प्रोडक्ट। तो दोनों का हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, x इंटू वाई प्लस जेड इसका एक्सपेक्टेशन, और दोनों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन, x का भी एक्सपेक्टेशन और फिर y प्लस जेड का भी एक्सपेक्टेशन। तो अब जरा समझो यहाँ पर, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x रहने देते हैं, और ये y प्लस जेड का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ z। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, x कॉमा x इंटू वाई में भी और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू जेड में भी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ z। अब ये दोनों को, इसको और इसको अगर एक साथ कर दें तो ये क्या बताएगा, कोवेरियंस बताएगा, किसका कोवेरियंस बताएगा, x कॉमा वाई का, और ये दोनों को अगर एक ब्रैकेट में रखें तो ये किसका कोवेरियंस बताएगा,
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा जेड का। तो इस तरीके से ये सेवंथ प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया, और एट को भी हम लोग इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी को? हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द लास्ट टू। थ्री क्वाइन को जब टॉस किया गया तो जब पहला दो जो है उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है उसको डिनोट किया जा रहा है एक्स से, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू, और जो लास्ट दो है उसमें जो टेल आ रहा है सॉरी जो हेड आ रहा है उसको डिनोट किया जा रहा है वाई से, वाई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द लास्ट टू। फर्स्ट टू में जो हेड आ रहा है उसको एक्स से, और लास्ट टू में जो हेड आ रहा है उसके नंबर को डिनोट किया जा रहा है वाई से। तो हम लोग को निकालना है द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, फिर हम लोग को कोवेरियंस निकालना है एक्स कॉमा वाई का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या आउटकम्स हो सकता है। जब थ्री क्वाइन को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितना होता है? एट आउटकम्स होता है। तो वो सारे को हम लोग लिख जाते हैं। हो सकता है तीनों हेड हो सकता है फर्स्ट सेकेंड हेड हो थर्ड टेल हो सकता है फर्स्ट हेड सेकेंड टेल थर्ड हेड, इस तरीके से टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड, और लास्ट तीनों हेड टेल हो सकता है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात, इस आउटकम्स की बात करें तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स बताता है नंबर ऑफ हेड्स इन फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू में हेड की संख्या कितना है? टू। और लास्ट टू में हेड की संख्या कितना है? टू। तो लास्ट टू जो है वो वाई बताता है। इसमें हेड की संख्या फर्स्ट टू में कितना है? टू। तो एक्स का वैल्यू टू, और लास्ट टू में हेड कितना है? अंतिम दो में हेड एक है तो वाई का वैल्यू वन हो जाएगा। शुरू वाला में दो क्वाइन का हेड की संख्या वन है तो ये एक्स का वैल्यू वन, और लास्ट वाला में भी हेड लास्ट टू का हेड की संख्या वन है तो वन हो जाएगा। फर्स्ट टू में हेड की संख्या वन है तो एक्स का वैल्यू वन, और लास्ट टू में हेड की संख्या टू है तो एक्स वाई का वैल्यू टू। फर्स्ट टू में हेड की संख्या वन है तो ये वन हो जाएगा, और लास्ट टू में हेड की संख्या जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टू में हेड की संख्या वन है और लास्ट टू में भी हेड की संख्या वन है, फर्स्ट टू में टेल की संख्या जीरो है और लास्ट टू में टेल की हेड की संख्या जो है वन है। फर्स्ट टू में हेड की संख्या जीरो और लास्ट टू में हेड की संख्या वन, यहाँ पर फर्स्ट टू में हेड की संख्या जीरो और लास्ट टू में हेड की संख्या भी जीरो। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना कि एक्स का वैल्यू या तो जीरो या वन या टू आ रहा है, और वाई का वैल्यू या तो जीरो या वन या टू आ रहा है, मतलब रेंडम वेरिएबल एक्स और वाई जो है वो उसका वैल्यू जीरो वन टू है दोनों का। अब हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें इधर हम लोग एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स का वैल्यू यही तीन है, वाई का वैल्यू भी तीन है, जीरो है या वन है या टू है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक्स का भी वैल्यू जीरो हो वाई का भी वैल्यू जीरो हो, अब देखो कितने आउटकम्स है जिसमें से एक्स और वाई का वैल्यू जीरो है। एक्स का भी वैल्यू और वाई का वैल्यू जीरो होना चाहिए, देखो दोनों का वैल्यू जीरो सिर्फ एक में है। अगर तीनों टेल आ जाता है तब तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ये एक फेवरेबल केस है और टोटल केसेज है एट, यानी वन बाई एट हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू जीरो आना है और वाई का वैल्यू वन आना है, इसके फेवर में भी मात्र एक केस है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाई एट। अब एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू टू आने का प्रोबेबिलिटी, तो एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, जीरो तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन वाई टू है इसमें, वाई टू नहीं, यानी कि कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें एक्स का वैल्यू जीरो हो और वाई का वैल्यू टू हो, यानी इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जीरो। फिर एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू जीरो का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू वन ये चार केस में है और वाई इक्वल टू जीरो किस में है? वाई इक्वल टू जीरो इसमें है, मतलब ये वाला सिर्फ आएगा, तो एक्स का वैल्यू वन भी है और वाई का वैल्यू जीरो भी है, इसके लिए भी फेवरेबल केस मात्र एक है तो इसका प्रोबेबिलिटी वन बाई एट हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, एक्स का वैल्यू वन यहाँ पर चार केस में है, चार केस में है, और वाई इक्वल टू वन देखो ये केस में भी एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू वन, इस केस में भी एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू वन, तो इसके फेवर में टू केसेज हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टू बाई एट। यहाँ पर टू बाई एट ही लिख रहे हैं हम लोग, इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अब एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू टू हो
तो एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू टू यहाँ पर है, और तो कोई केस नहीं है जिसमें एक्स का वैल्यू वन और वाई का वैल्यू टू हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाई एट। फिर एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू जीरो, तो एक्स टू यहाँ पर दो केस में है और वाई जीरो है क्या, वाई जीरो नहीं, यानी इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन, तो एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू वन एक केस ये है और किसी भी केस में नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाई एट। एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू टू, तो एक्स टू और वाई टू एक केस में है और किसी भी केस में नहीं है, तो फेवरेबल केसेज वन और टोटल केसेज एट। तो ये हुआ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई रेंडम वेरिएबल का। अब इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखते हैं। ये क्या बता रहा है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, किसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो ये एक्स का बता देगा, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हो गया ये। और जरा ध्यान देना इसमें करते क्या हैं, ये तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो होने का प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा। तो वन बाई एट प्लस वन बाई एट टू बाई एट, टू बाई एट को वन बाई फोर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वन बाई एट प्लस टू बाई एट थ्री बाई एट प्लस वन बाई एट फोर बाई एट, जिसको वन बाई टू लिख सकते हैं। फिर एक्स इक्वल टू टू का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा यहाँ पर टू बाई एट, यानी कि वन बाई फोर होगा। और फिर ये जो है वो बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई लिखते हैं। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों ऐड करने पर वन बाई फोर आएगा, यहाँ पर तीनों ऐड करने पर वन बाई टू आएगा, यहाँ पर तीनों ऐड करने पर वन बाई फोर आएगा, और ये तीनों को ऐड करें या ये तीनों को ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा। तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है यहाँ से, और ये बता रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का, ये बता रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो सबसे पहले ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल गया इस टेबल से, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल गया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इधर आ गया एक्स का, और वाई का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया। अब हम लोग को एक्सपेक्टेशन निकालना है एक्स का वाई का। तो सबसे पहले देखो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन एक्स का निकालना है तो इसके लिए हम लोग एक्स आई को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग यहाँ पर इससे डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स आई कैपिटल एक्स, इससे डिनोट कर रहे हैं, और उसका सम कर देंगे आई का वैल्यू वन से थ्री तक, क्योंकि तीन ही वैल्यू है, एक्स का भी तीन वैल्यू है और वाई का भी वैल्यू तीन है। तो करते क्या है, एक्सपेक्टेशन किसी का निकालना है तो उस रेंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है और उसका जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ अगर एक्स आई नहीं लिखें, सिर्फ अगर एक्स लिखें, तो यहाँ पर हम लोग जो समेशन कर रहे हैं वो किस पर रन करेगा, एक्स पर। अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बता रहा है, रेंडम डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल है तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया, और अगर वही कंटिन्यूस रहता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी ही बता रहा है, एक्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये बता रहा है। ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स जो लिख रहे हैं ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये इसका स्मॉल एक्स आने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए ये काम करेंगे, तो एक्स का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, उसके करिस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पुट करेंगे और दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू एक जीरो था, तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो उस समय उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग लेना पड़ेगा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू वन था और उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी, तो वन का क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर एक्स का वैल्यू टू है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, एक्स रेंडम वेरिएबल का टू आने का प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन निकाले हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से हम लोग इसका देख लेंगे जीरो का क्या है। तो जीरो का तुम देखो, जीरो का वन बाई फोर है, वन का है वन बाई टू और टू का है वन बाई फोर। तो जीरो का है वन बाई फोर, फिर वन का है वन बाई टू और फिर है टू का वन बाई फोर। ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर आ जा रहा है वन बाई टू और वहाँ पर भी आ रहा है वन बाई टू, तो मीन्स ये सम कितना आ जाएगा वन। इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे, वाई को उसके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई पर रन करवाएंगे, तो वाई का वैल्यू है जीरो और उसके करिस्पॉन्डिंग जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जीरो के करिस्पॉन्डिंग वन बाई फोर है, चेक कर सकते हो।
जीरो के करिस्पॉन्डिंग जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 के करिस्पॉन्डिंग 1/2 है, और 2 के करिस्पॉन्डिंग 1/4 है। तो यहाँ पर जीरो के करिस्पॉन्डिंग 1/4, फिर 1 के करिस्पॉन्डिंग 1/2, और फिर 2 के करिस्पॉन्डिंग 1/4। तो ये भी इसका सम करके तुम देख सकते हो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग को एक कोवेरियंस भी निकालना है, तुम देख रहे हो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो कोवेरियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। तो ये जरा ध्यान देना, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन हो गया ये। तो ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन के लिए क्या तरीका है, इसको निकालने के लिए एक्स इंटू वाई को उसके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से, और उसमें हम लोग डबल सिग्मा लगाएंगे, यानी एक में एक्स वैरी करेगा और दूसरे में वाई वैरी करेगा इस तरीके से। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक्स आई वाई जे और एक्स इक्वल टू एक्स आई वाई इक्वल टू वाई जे, इसको हम लोग करते हैं, और आई का वैल्यू जो भी रहे वन से लेकर के अगर एम तक है, जे का वैल्यू वन से लेकर के एम तक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रेंडम वेरिएबल का वैल्यू लिखना है और उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो रेंडम वेरिएबल एक्स आई जो है उसको हम लोग सिर्फ एक्स लिख रहे हैं, वाई जे को वाई लिख रहे हैं, और इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो उसके प्रोबेबिलिटी को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ही इंडिकेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और यहाँ पर एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसका भी हम लोग लेंगे, और वाई का भी जो वैल्यू होगा वो सब भी लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये सिग्मा वाई रहने देते हैं, पहले इस सिग्मा को लिखो। तो एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, और इनटू वाई रहने दो, एक्स का जो जो वैल्यू है वो लिख जाते हैं। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स के जगह जीरो और वाई को ज्यों कहते हैं रहने दो। अभी हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं, एक सिग्मा को हटा रहे हैं पहले, तो एक सिग्मा को हटा रहे हैं, तो एक्स का जो भी वैल्यू है वो सब वैल्यू लिखेंगे और हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है और y रहने दो, f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स का वैल्यू 1 और y को ज्यों कहते हो यहाँ पर स्मॉल y है। और फिर x का तीसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू क्या है, 2 है और इंटू वाई, एफ ऑफ x कॉमा वाई, एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर x के जगह 2 पुट कर रहे हैं और y को ज्यों कहते हो रहने दो। तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ये सिग्मा वाई यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी जो है वो लिख जाते हैं, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई 1, y, फिर 2 इंटू वाई एफ ऑफ एक्स वाई 2, y। अब हम लोग इसमें सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा लगाते हैं तो वाई का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या है, जीरो, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर क्या पुट करेंगे, वाई का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं। फिर वाई का वैल्यू, दूसरा वैल्यू लेंगे, कौन सा वैल्यू है, 1, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और 1, 1। फिर तीसरा वैल्यू लेंगे, तो तीसरा वैल्यू कौन सा है, वाई का 2 और एफ ऑफ एक्स वाई 1, 2। फिर इसी तरीके से ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड का भी लिखेंगे इसी तरीके से। तो वाई का वैल्यू हम लोग जीरो पुट करते हैं, तो 2 इंटू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई 2, 0। फिर आगे बढ़ते हैं, तो वाई का वैल्यू दूसरा वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 एफ ऑफ एक्स वाई 2, 1। और फिर तीसरा वैल्यू, वाई का तीसरा वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 एफ ऑफ एक्स वाई 2, 2। अब हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 1 रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 1, 1 का वैल्यू क्या है, तो 1, 1 का x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसका प्रोबेबिलिटी है 2/8, तो यहाँ पर 2/8 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। फिर 2 यहाँ रहने देते हैं, और इसका वैल्यू 1, 2 का फंक्शन का वैल्यू, तो 1, 2 यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 हो, इसका है 1/8। और फिर तीसरा आगे बढ़ते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, वहाँ पर आ रहा है 2 और f ऑफ 2, 1 मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए और y का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो यहाँ हो जाएगा 1/8। और फिर तीसरा 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और 2, 2 का, तो x का वैल्यू 2 हो और y का भी वैल्यू 2 हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8। अब ये सभी को अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो रहा है 4, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पर 1+1 और फिर +1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2+1, 3+1, 4+1, 5, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन है 5/4 आया x इंटू 1 का।
अब फिर एक और काम करना है हम लोग को, कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस कैसे निकलता है, हम यहाँ पर ही निकाल दे रहे हैं इसको। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का निकालने का तरीका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्स इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन निकाल के रखे हुए हैं, दिस इज 5/4 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1। पहले निकाले हुए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 1 और फिर यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी निकाले हुए, दिस इज ऑल्सो 1। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ रहा है 4 LCM 5 - 4 मीन्स 1/4। तो एक्स और वाई का जो कोवेरियंस है वो कितना आ गया, 1/y। कोई दिक्कत किसी को? तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।